कांग्रेस ने युवा चेहरे व विधायक प्रतिनिधि शिवांश जैन पर अपना दांव खेला है, तो भाजपा ने दो बार के पार्षद संतन चौहान पर अपना विश्वास जताया है। कांग्रेस के शिवांश जैन व भाजपा के संतन चौहान के साथ ही यहां जनता कांग्रेस के जॉली रॉय के अलावा 6 निर्दलीय उम्मीदवार बिगन लाल, संजय सूर, संजय सिंह, सैयद उस्मान, सुभाष प्रधान व उत्तम साहनी भी मैदान में हैं। बड़ी संख्या में निर्दलीय प्रत्याशियों के मैदान में होने के बावजूद कांग्रेस प्रत्याशी शिवांश जैन अपने विधायक प्रतिनिधि के रूप में किए गए कार्यों व युवा वोटरों के भरोसे जीत का दावा कर रहे हैं। अच्छा समर्थन मिल रहा है, मेरी उम्मीद से ज्यादा मुझे लोग, सारे युवा, वरिष्ठ और महिलाएं घर घर से निकल कर मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और चूंकि ये जन्मभूमि है मेरी और वार्ड क्रमांक 10 का मैं निवासी भी हूँ और कांग्रेस की सरकार है, तो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि अगर पार्षद भी कांग्रेस का होगा तो उनके जो भी रोजमर्रा के दिन प्रतिदिन के कार्य हैं वो बहुत ही सुगमता से होंगे। इस वजह से मुझे काफ़ी अच्छा समर्थन मिल रहा है। निश्चित रूप से पिछले दो बार से आरक्षण था मेरी सीट में, वार्ड क्रमांक 10 में पहले ये 12 हुआ करता था और इस बार सामान्य सीट होने के कारण दावेदारों की संख्या निश्चित रूप से ज़्यादा है, परंतु जनता का जो जन समर्थन मुझे मिल रहा है उससे मुझे कहीं भी कोई खतरा या नुकसान दिखाई नहीं दे रहा है। लोग इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि उन्हें एक अच्छा पढ़ा लिखा और योग्य उम्मीदवार चाहिए, तो इस हिसाब से मुझे लोग अच्छे से देख रहे हैं और मुझे समर्थन कर रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे भारी मतों से विजय दिलाने का भी विश्वास उन्होंने मुझे दिया है। बिल्कुल मिल रहा है, विधायक जी के द्वारा पिछले 10 वर्षों में एक साल में किए गए जो भी कार्य थे हमारी सरकार के द्वारा, चाहे वो बात बिजली बिल हाफ की हो, चाहे किसानों की कर्जा माफ की हो या फिर APL राशन कार्ड जो 10 रुपये प्रति किलो चावल विभिन्न लोगों को मिल रहा है, इसके साथ ही साथ मैं विधायक प्रतिनिधि रहते हुए पिछले 2-3 महीनों से जो भी वार्ड की समस्याएं थी और कुछ कार्य जो अधूरे थे कई वर्षों से उसे मैंने पूर्ण कराया है। कई जगह पानी की समस्या की भी मैंने देखा और उसको भी दूर कराया और कई जगह पानी की टंकियों की भी व्यवस्था कराई, तो इससे भी लोगों को विकास दिख रहा है और वो काम करने वाला उम्मीदवार चाह रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी संतन चौहान को भरोसा है कि पिछले 10 साल के कार्यकाल में उनके द्वारा वार्ड में किए गए विकास कार्य व आम जनता के कार्यों के कारण वार्ड की जनता उन्हें आशीर्वाद देकर तीसरी बार पार्षद बनाएगी। भरपूर जनता का समर्थन मिल रहा है और जनता विश्वास भी कर रही है और उनको आशीर्वाद भी जनता का मिल रहा है और आगे विजयी होने का वो भी। मूलभूत तो सभी समस्या दूर हो कर दिए हैं और रोड नाली सब कंप्लीट हो गया है, बस कुछ एरिया में पानी की कमी है। जनता द्वारा मांग पानी की कमी बताया जा रहा है, हम मांग रहे हैं और मैं देखा भी हूँ कि हाँ वहाँ पे पानी का समस्या है और इस बार अगर पार्षद बनाती है, जनता विश्वास में लेकर फिर से मुझे लाती है, पानी हर गली मोहल्ले में पानी का सुविधा हम पहुँचाने का। 10 लोग खड़े हैं उसमें, बाकी लोगों का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हमारा टक्कर कांग्रेस से है, कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं उनसी से लड़ाई लड़ते हैं। हल्दीबाड़ी के इस चर्चित वार्ड 10 में भले ही 9 उम्मीदवार मैदान में हों, लेकिन यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही है।